नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है, जबकि 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होगा। राष्ट्रपति का चुनाव सरकार चला रहे एनडीए गठबंधन, विपक्ष में बैठे यूपीए गठबंधन और अन्य विपक्षी दलों के 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनने वाले सियासी समीकरणों को भी साफ करेगा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कहा कि गिरफ्तार एनसीपी नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। अदालत ने दोनों नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। उनमें राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए शुक्रवार को विधानसभा जाने की अनुमति मांगी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार नवाब मलिक और देशमुख दोनों ने राज्य की 6 सीटों पर आगामी राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दोनों अब हाईकोर्ट जा सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने आदेश की प्रमाणित प्रति जल्द से जल्द मांगी है, ताकि वो आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने की आरोपी नूपुर शर्मा को जब गिरफ्तार करने की मांग चल रही हो, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ओवैसी ने इस एफआईआर पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि केंद्र से कई सवाल भी पूछ डाले हैं। ओवैसी ने मोदी को भी उनके नफरती भाषणों की याद दिलाई। ओवैसी ने अपनी बात 11 ट्वीट्स के जरिए कही। उन्होंने कहा कि मुझे एफआईआर का एक अंश मिला है। ये पहली एफआईआर है जो मैंने देखी है, जिसमें ये तक दर्ज नहीं है कि मेरा अपराध क्या है। किसी ऐसी हत्या की एफआईआर की कल्पना करें जहां पुलिस हथियार का उल्लेख ना करे या जिसमें पीड़ित की मौत हो जाए। मुझे नहीं पता कि मेरी किस खास टिप्पणी ने दिल्ली पुलिस को यह एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में यति नरसिंहानंद, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल आदि के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं है। दिल्ली पुलिस शायद हिंदुत्ववादी कट्टरपंथियों को ठेस पहुंचाए बिना इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का तरीका सोचने की कोशिश कर रही थी। एफआईआर के बाद एआईएमएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस दोनों पक्षवाद या संतुलनवाद सिंड्रोम से पीड़ित है। एक पक्ष ने खुले तौर पर हमारे पैगंबर का अपमान किया है, जबकि दूसरे पक्ष का नाम बीजेपी समर्थकों को समझाने और ऐसा दिखाने के लिए दिया गया है कि दोनों पक्षों ने अभद्र भाषा बोली थी। ये भी ध्यान दें कि अभद्र भाषा सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं और प्रमुख धर्मगुरुओं ने बोली, जो सत्तारूढ़ दल से करीबी संबंध रखते हैं। उन लोगों के बयानों को सोशल मीडिया पर बिना किसी सामाजिक या राजनीतिक स्थिति के बराबर पोस्ट किया गया है। ओवैसी ने कहा कि मेरे मामले में एफआईआर ये भी नहीं कह रही है कि मैंने आपत्तिजनक क्या बोला था, क्या आपत्तिजनक था। ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व संगठनों में हेट स्पीच और कट्टरता को पुरस्कृत किया जाता है, जैसे योगी को हेट के कारण उन्हें लोकसभा सीट दी गई और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी। मोदी को हेट स्पीच को भी इसी तरह का पुरस्कार मिला। ओवैसी ने कहा कि वो अपने खिलाफ एफआईआर के मामले में अपने वकीलों से सलाह करेंगे और ज़रूरी कदम उठाएंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में बवाल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं। इन एफआईआर में विवादित टिप्पणी करने वाले नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल से लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, पत्रकार सबा नकवी और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का नाम भी शामिल किया गया है। स्पेशल सेल की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में बीजेपी के पूर्व नेता नवीन कुमार जिंदल, पत्रकार सबा नकवी, हिंदू महासभा की पदाधिकारी पूजा शकुन पांडे, राजस्थान के मौलाना मुफ्ती नदीम और पीस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शादाब चौहान के नाम है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनके द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट के कारण दो समुदायों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं और धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। जबकि दूसरी एफआईआर में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा, एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और मुसलमानों के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयानबाजी करने वाले यति नरसिंहानंद का भी नाम शामिल है। यति नरसिंहानंद इन दोनों जमानत पर बाहर है। नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग की। ममता ने ट्वीट कर कहा कि मैं भाजपा नेताओं द्वारा हाल ही में जघन्य और अभद्र भाषा में की गई टिप्पणियों की निंदा करती हूँ, जिसके फलस्वरूप न केवल हिंसा फैली बल्कि देश के ताने बाने का विभाजन भी हुआ, जिसमें शांति और सौहार्द भी नुकसान पहुँचा है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही कहा कि भाजपा के उन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ताकि देश की एकता बनी रहे और लोगों को मानसिक पीड़ा का सामना न करना पड़े। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बुधवार को कुछ न्यूज़ चैनलों के गैर जिम्मेदार बर्ताव की कड़ी आलोचना की, जिन्होंने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जिनकी वजह से अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया गया। एडिटर्स गिल्ड का यह कड़ा बयान निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी और कुछ चैनलों द्वारा इसकी रिपोर्टिंग पर आया है,
जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उठा और भारत के कुछ मित्र देशों ने भारत से माफ़ी की मांग की। गिल्डे ने कहा कि इस घटना से देश को अनावश्यक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, इससे बचा जा सकता था यदि कुछ टीवी आउटलेट धर्मनिरपेक्षता के लिए देश की संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ साथ पत्रकारिता की नैतिकता और दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक होते, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया था। गिल्डे ने कहा कि कुछ चैनल दर्शकों की संख्या और लाभ कमाने की इच्छा से प्रेरित थे, रेडियो रवांडा के मूल्यों से प्रेरित थे, जिनके आग लगाने वाले प्रसारण से अफ्रीकी राष्ट्र में नरसंहार हुआ था। भारत के दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में हालिया विवादास्पद टिप्पणी पर चिंता जताई है। ये विवाद शुरू होने के बाद से इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के किसी सदस्य देश के किसी गणमान्य व्यक्ति की इस तरह की पहली यात्रा है। ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसकी पुष्टि की कि भारत सरकार और अधिकारी पैगंबर मोहम्मद साहब का सम्मान करते हैं और कहा कि दोषियों से सरकार और संबंधित स्तरों पर इस तरह से निपटा जाएगा कि दूसरे भी सबक लेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि ईरानी विदेश मंत्री ने मुसलमानों की धार्मिक पवित्रता के प्रति संवेदनशीलता पर गंभीरता से ध्यान देने का आह्वान किया। भारत दौरे पर आए विदेश मंत्री आज मुंबई में होंगे और फिर हैदराबाद की यात्रा करेंगे। बुधवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरे शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक पति पत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल इस वायरल वीडियो में एक माता पिता अपने बच्चे का शव अस्पताल से लेने के लिए भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं। उनका आरोप है कि अस्पताल ने उनके बच्चे का शव देने के लिए 50,000 रुपये मांगे हैं। हालांकि समस्तीपुर के ADM विनय कुमार राय ने इनके आरोपों को गलत बताया। इस वीडियो पर ट्वीट करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मानवता शर्मसार, फिर भी नीतीश कुमार जी का सुशासन का दावा बरकरार है। इसके अलावा शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में गांव में भीख मांग रहे मुस्लिम फकीरों से जय श्री राम बुलवाया गया और उन्हें आतंकवादी कहा गया। जब ये मुस्लिम फकीर गांव में घूम रहे थे तो उनसे उनका आधार कार्ड दिखाने के लिए भी कहा गया। ये घटना थाना खरगुपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगुपुर डिंगू में हुई है। गांव का एक शख्स मुस्लिम फकीरों से कहता है कि तुम लोग आतंकवादी हो। वो उनसे उनका नाम पूछता है और कहता है कि अपना आधार कार्ड दिखाओ। इसके बाद उनसे उठक बैठक करने और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा जाता है। तीनों मुस्लिम फकीर जय श्री राम का नारा लगाने को मजबूर हो जाते हैं। इन्हें धमकाने वाला ग्रामीण कहता है कि अगली बार बिना आधार कार्ड के गांव में मत घुसना। वो हाथ में मोटा डंडा लेकर इन्हें धमकाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने गोंडा पुलिस को ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद क्षेत्राधिकारी सदर ने कहा कि मुस्लिम फकीरों के साथ अभद्रता करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। क्षेत्राधिकारी सदर ने कहा कि इस बात की भी जाँच की जा रही है कि ये मुस्लिम फकीर कौन थे और गाँव में क्यों गए थे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी आ रही है। पिछले एक दिन में देश में कोरोना संक्रमण के 7,240 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 32,498 हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक 5,24,723 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।